सो गाइस देखो नया सीजन आने में अभी भी 15 दिन बाकी है। तो गाइस अगर आप लोग अभी हीरोइक में हो ना तो अभी भी गाइस आप लोग ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, और अगर आप लोग डायमंड में हो तो गाइस अगर आप लोग को हीरोइक जाना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग हीरोइक या फिर मास्टर जा पाओगे। बट हाँ गाइस देखो इन लास्ट के टाइम में आप लोग को सही से गाइस आप लोग गेम खेलना पड़ेगा, तभी गाइस आप लोग क्लैश स्क्वाड में आपका गाइस जो इच्छा हुए गाइस ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर जाना वो गाइस आप लोग इजीली पहुंच पाओगे। बट हाँ गाइस देखो थोड़ा ध्यान से आप लोग को खेलना है, और लास्ट मोमेंट में गाइस क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग को फॉलो करना है वही गाइस देखो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ गाइस देखो आप लोग एक काम कर देना है, फटाफट गाइस आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग अभी कौन से रैंक में हो, भाई आप लोग कौन से रैंक में हो, डायमंड में हो, हीरोइक में हो, कौन से रैंक में हो, फटाफट गाइस आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वो सीक्रेट ट्रिक गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और हाँ लास्ट में एक बोनस ट्रिक दूंगा जो गाइस आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो गाइस देखो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले गाइस देखो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखो वीडियो बनाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बट इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ना तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो हो सके गाइस प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना गाइस, एक सेकंड का टाइम लगता है, एक लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो गाइस चलो अभी जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो सबसे पहला नंबर जो ट्रिक है वो है गाइस, अगर आप लोग 1v4 सिचुएशन में फंस जाते हो या फिर पूरे स्क्वाड को गाइस अगर आप लोग को वाइप आउट करना है ना तो गाइस आप लोग तीन स्टेप में कर सकते हो। पहला नंबर जो स्टेप है वो है गाइस आपके पास गाइस एक हेडफोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हेडफोन क्यों, ये गाइस इसका आंसर आप लोग देख ही पाओगे। गाइस देखो मैं इधर हेडफोन का यूज कर रहा था तो गाइस देखो मेरे को पहले से ही पता चल गया था कि एनिमी इधर आने वाला है, तो गाइस देखो मैं चुपचाप एक कवर पे आ गया। तो फर्स्ट नंबर स्टेप यही है कि आप लोग एक हेडफोन चाहिए। सेकंड नंबर स्टेप है आप लोग एक परमानेंट कवर चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये परमानेंट कवर है इसका गाइस मैं यूज कर रहा हूं। और जो थर्ड नंबर स्टेप है वो है गाइस आप लोगों को हेडशॉट मारना आना चाहिए। ये तीन चीज में गाइस अगर आप लोग परफेक्ट हो जाओगे तो भाई आप लोग इजीली 1v4 क्लच कर दोगे या फिर पूरा स्क्वाड को वाइप आउट कर दोगे। ये तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले आपको एक हेडफोन चाहिए जिससे गाइस आप लोगों को एनिमी का लोकेशन पहले से पता चल जाएगा, कहां से एनिमी आ रहे हैं वो गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर गाइस आप लोगों को गाइस एक कवर चाहिए जिससे गाइस आप लोग कवर ले पाओगे और एनिमी गाइस आपको डैमेज नहीं दे पाएगा और आप लोग एनिमी को मतलब कवर से बाहर निकाल के मार पाओगे। तो ये दूसरा नंबर चीज था, और लास्ट में गाइस आप लोगों को हेडशॉट मारना है क्योंकि भाई बॉडी बॉडी में नहीं होगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट ही मारना है जल्दी जल्दी एनिमी को मारने के लिए, तभी गाइस आप लोग 1v4 क्लच ये सब निकाल पाओगे। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है वो है आजकल के ना प्लेयर के अंदर पेशेंस नहीं है। अब गाइस देखो जो सामने वाला एनिमी है ना वो गाइस मेरे को इधर देख लिया है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शॉटगन है, तो गाइस देखो मैं इधर पूरा होल्ड कर रहा हूं, देखो गाइस मैं बाहर निकल के फायर नहीं कर रहा हूं। जब वो एनिमी एकदम शॉर्ट रेंज में आ जा रहा है ना तब गाइस देखो मैं उसको फायर करके मार दूंगा। तो ऐसे ही गाइस अगर आपके पास शॉटगन है तो गाइस आप लोगों को पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि गाइस देखो शॉटगन से आप एनिमी को रश करोगे तो मरोगे, बट एनिमी आपके ऊपर रश करने आएगा ना तब गाइस शॉटगन से आप लोग इजीली मार दोगे, क्योंकि भाई एकदम शॉर्ट रेंज में ज्यादा वर्क करता है। तो आप लोगों को एकदम पेशेंस बनाए हुए रखना है, सही मौका देखे गाइस आप लोगों को हेडशॉट मार देना है एनिमी को। इसके बाद गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो ये जो हील स्नाइपर है ना, ये गाइस आप लोग बहुत टाइम फेंक देते हो बट गाइस इसको आप लोगों को यूज करना है, इसका भाई बहुत ज्यादा फायदा है। और ये गाइस कहां आप लोगों को मिलेगा, देखो ये जो मिस्ट्री बॉक्स है ना छोटा छोटा जो बॉक्स आता है उसके अंदर गाइस आप लोगों को मिलेगा। और ये गाइस देखो जब भी आप लोग इस गन का यूज करोगे ना तो गाइस आप लोगों का डिफॉल्ट एम वर्क नहीं करेगा, तो गाइस आप लोगों को फुल कंट्रोल में एनिमी को मारना है, ठीक है। और इसका जो सबसे ज्यादा मेन यूज है, जैसे कि भाई आप लोग देख ही पा रहे हो मेरा जो टीममेट है मेरा इधर हेल्थ कम था तो वो हील स्नाइपर से मेरा इधर हेल्थ बढ़ा दिया। तो ऐसे ही गाइस आप लोग अपने टीममेट को पूरा अच्छा खासा गाइस इधर मतलब हील कर दोगे एक सेकंड के अंदर। तो ये गाइस देखो आप लोग एनिमी को भी मार सकते हो और गाइस इससे आप लोग अपने टीममेट को भी भाई सपोर्ट दे सकते हो, उसका हेल्थ फटाफट बढ़ा सकते हो। बट हाँ गाइस देखो इसको गाइस आप लोग स्कोप ओपन करके मतलब एकदम फुल कंट्रोल में है ना ये गन, तो आप लोग को सही से यूज करना है। बट ज्यादा इसका जो फायदा है वो है गाइस आप लोग अपने टीममेट्स को गाइस इजीली फटाफट गाइस उसका हेल्थ बढ़ा दोगे और सभी मिलकर गाइस एक साथ पूरे स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा अच्छा चीज है। इसके बाद गाइस जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो है गाइस जब भी आपका ये मिनी पीक आता है अगर आप लोग को हर एक मिनी पीक का राउंड जीतना है ना तो गाइस आप लोग क्या करना है, आप लोगों का डबल वेक्टर का यूज करना है। डबल वेक्टर अगर आप लोग ले लोगे तो समझ लो वो मैच आप लोग जीत ही जाओगे, मतलब आप लोगों को अच्छे से खेलना पड़ेगा तभी आप लोग जीतोगे। बट ज्यादातर केस में गाइस देखो इस राउंड में डबल वेक्टर का यूज काफी ज्यादा होता है और डबल वेक्टर से आप लोग इजीली मैच को जीत सकते हो ये वाला राउंड। तो गाइस जब भी ये वाला राउंड आता है आप लोग जरूर से डबल वेक्टर का यूज करना। फिफ्थ नंबर जो ट्रिक है वो है गाइस अगर आपके पास वन टैप गन है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग एनिमी को वन टैप ही देना है, आप लोग बॉडी बॉडी भी मार सकते हो। जैसे कि आप लोग इधर देख ही पा रहे हो गाइस देखो मैं इधर डेजर्ट से अगर वन टैप मारने जाता तो मैं इधर मर जाता, बट मैं बॉडी बॉडी मार के गाइस एनिमी को ही मार दिया। तो ऐसे ही गाइस आप लोगों को अपने ईगो को साइड में रखना है कि आपके पास भाई वन टैप गन है तो आप लोग वन टैप से ही मारोगे, ऐसा नहीं है भाई। वन टैप से आप लोग धमाधम स्पैम करके इजीली मार देना एनिमी को अगर वो सिचुएशन आ जाए तो। इसके बाद गाइस देखो जो सिक्स नंबर ट्रिक है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है वो है गाइस आप लोग को आईक्यू लगा के खेल। अब गाइस देखो ये भाई आप लोग ये बैकग्राउंड क्लिप देखो, ये 1v2 सिचुएशन में कैसे निकालूंगा देखो इसको, भाई ये देख के आप लोग खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आपके अंदर भाई आईक्यू होना जरूरी है, तभी गाइस आप लोग इजीली 1v2 क्लच या फिर 1v4 क्लच कर पाओगे।
पाओगे। अब देखो एक बंदे को गाइस देखो मैं मारने के बाद गाइस देखो मैं क्या करूंगा, फटाफट इधर आके गाइस मैंने बॉनफायर का यूज किया क्योंकि मेरे पास अभी हेल्थ नहीं है। और गाइस देखो मैं इधर एनिमी देख रहा था, वो एनिमी किधर है, तो एनिमी गाइस देखो साइड से आ रहा था, तो गाइस देखो मैं फटाफट इधर आ गया। इधर आने के बाद गाइस देखो मैं अभी क्या करूंगा, गाइस मैं इधर फटाफट एक मेडिकेट मारूंगा। और मेरे पास गाइस देखो इधर अच्छा ही है, मेरे पास इधर सुपर मेडिकेट है। इसके बाद गाइस देखो क्या करूंगा, मैं इधर गाइस ग्रेनेड का यूज करूंगा। तो गाइस एक ग्रेनेड का गाइस इधर से मैं सही यूज किया और गाइस फटाफट मैं तासुआ लगा के इधर आ गया और एक परमानेंट कवर गाइस मैंने इधर ले लिया। और सही टाइम पे गाइस देखो एनिमी जब मेरे सामने आया मैं इसको वन टाइम हेडशॉट इजीली दे दिया। तो ऐसे ही गाइस आप लोगों को खेलना है, अगर मैं दो बंदों के अंदर घुस जाता तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तो इसलिए गाइस आप लोगों एक एक करके गाइस एनिमी को मारना है, ध्यान रखना कि एक एक करके ही मारो, एक साथ दो बंदे को मारने जाओगे एक ही टाइम पे तो आप लोग मरोगे ही मरोगे। इसके बाद गाइस देखो जो 7 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता देता हूं। और ये स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा गाइस यूज होता है अगर आप लोगों के पास शॉटगन है। और शॉटगन से गाइस आप लोगों को कैसे खेलना है गाइस देखो स्ट्रेटजी में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्री फायर का यूज करना पड़ेगा। मतलब एनिमी को देखने से पहले ही गाइस आप लोगों को उसके ऊपर फायर कर देना है। जैसे कि अभी लोग इसके लिए मैं देखो मैं इधर एसएमजी गन यूज करके तो नॉर्मली इसको मार दिया, अभी गाइस देखो मैं फटाफट इधर इसको रिवाइव दे दूंगा। और इसके बाद गाइस देखो 1v3 सिचुएशन आ जाएगा और कैसे गाइस देखो मैं एनिमी को मारूंगा आप लोग देखो। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो शॉटगन से गाइस देखो एनिमी आने से पहले ही गाइस देखो मैं इधर प्री फायर करके एनिमी को मार रहा हूं। मतलब गाइस आप लोगों को पहले से ही आइडिया कर लेना कि एनिमी कहां से आ रहा है, फिर गाइस आप लोगों को गाइस फटाफट फायर कर देना है। गाइस देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं गाइस ग्लू वॉल के बाहर निकल के गाइस देखो प्री फायर कर रहा हूं, मेरे को आइडिया हो जा रहा है कि एनिमी उधर से ही आएगा। और फिर गाइस देखो मैं फायर कर दे रहा हूं, इससे गाइस देखो मेरा जो गोली है वो कनेक्ट हो जा रहा है और ये राउंड में गाइस मैंने कैसे इजीली निकाल दिया देखो। इसके बाद गाइस देखो जो 8 नंबर ट्रिक है ना, ये गाइस आप लोगों को ऑल टाइम ध्यान रखना है। अगर आप लोग कभी भी नॉक हो जाते हो और आपका जो टीममेट है वो गाइस आके अगर आपको रिवाइव कर देते हैं ना, तो गाइस कभी भी गाइस आप लोगों को उस जगह पे नहीं रहना, आप लोगों को क्या करना है फटाफट गाइस एकदम सेफ जगह पे चले जाना। जैसे कि मैं इधर कर रहा हूं, एकदम सेफ जगह पे चले जाना। सेफ जगह पे जाने के बाद आप लोगों को जो पहला काम है वो एनिमी के ऊपर फायर नहीं करना है, आप लोगों को फटाफट अपना जो हेल्थ है उसको फुल कर लेना है। एक बार गाइस अगर आप लोगों का फुल हेल्थ हो गया उसके बाद ही गाइस आप लोगों को फायर लेना है, ये चीज गाइस आप लोग ध्यान रखना, अपना पूरा हेल्थ फुल करना उसके बाद ही गाइस आप लोगों को फाइट लेना है। जैसे कि सिचुएशन में देखो, क्योंकि गाइस अगर आपका हेल्थ फुल होगा ना तो आप लोग एनिमी को इजीली मार दोगे। अभी गाइस देखो 1v1 सिचुएशन है, सामने एक बंदा है। तो और गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कवर गाइस नहीं छोड़ रहा, कवर आप लोगों को कभी नहीं छोड़ना है। एनिमी गाइस खुद रश करेगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। जैसे कि देखो भाई एनिमी खुद ही रश किया और मैं मार दिया, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ऐसे ही आप लोग एनिमी को मार दोगे। और चलो गाइस मैं आप लोगों को जो बोनस ट्रिक है वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। बट उससे पहले गाइस देखो, अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ यार मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक गाइस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गाइस जाके मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना आप लोग। और गाइस देखो जो बोनस ट्रिक है वो है गाइस आप लोगों को लोड आउट में से क्या लेना है। देखो लोड आउट में से ना सीएस टैंक के लिए जो बेस्ट है वो है आप लोगों को लेग पॉकेट का यूज करना है। इससे गाइस आप लोग 3 ग्लू वॉल की जगह 5 ग्लू वॉल ले पाओगे और भाई आपको तो पता ही है क्लैश स्क्वाड में ग्लू वॉल का यूज कितना ज्यादा होता है, तो ये गाइस आप लोगों को ले लेना है। और गाइस देखो सीएस टैंक अगर आप लोगों को रैंडम प्लेयर के साथ खेल के जीतना है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर सीएस टैंक के लिए अगर आप लोगों को एक बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन चाहिए ना, तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देखो। तो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।